अस्पताल में अचानक बढ़ते मौत के आंकड़ों के बीच सियासी सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के दावे अलग हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं का कुछ और ही कहना है। ऐसे में बहस इस बात को लेकर तेज हो गई है कि आखिर इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। पहले नांदेड़, अब संभाजीनगर। महाराष्ट्र के अस्पतालों में आखिर हो क्या रहा है? पिछले 48 घंटे में हुई 30 से ज्यादा मौतों ने राज्य की शिंदे सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दल के नेता सीधे सीधे इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये शिंदे सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, एक खूनी सरकार या समाचार होते हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार से लेकर यहां के डॉक्टर्स के कामकाज पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि पिछले एक साल में ही हालात बदतर हुए हैं, पहले तो सब अच्छा था। एक डेढ़ साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। दवा की कमी से लेकर प्रबंधन की नाकामी तक के दावों के बीच नांदेड़ और संभाजीनगर दोनों जगहों से अस्पताल प्रशासन का बयान आया है। पहले आपको औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल के डीन की बात सुनाते हैं। इनका दावा है कि उनके अस्पताल में कई मरीज तो ऐसे आते हैं जिन्हें बचाना बहुत मुश्किल था। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको, वो रेफर्ड पेशेंट है, उसको भी हम पूरी तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं और जितना हमारे तरफ से कोशिश होती है हम पूरा देते हैं, लेकिन वो पेशेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है कि इट इज डिटोरेटिंग, इट इज रीचिंग टू द डेथ। ऐसे पोजीशन में उस पेशेंट का डेथ होना इट इज बट नेचुरल, लेकिन वो फिर हमारे ऊपर उसका ये आता है क्योंकि हम उसको एडमिट करके लेते हैं। वहीं नांदेड़ के सरकारी अस्पताल के डीन का कहना है कि जो भी मौतें हुई हैं वो किसी एक वजह से नहीं हुई है, इनके लिए अलग अलग वजह जिम्मेदार हैं। 8 जो पेशेंट थे उनकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र थी और सबको, एक 4 जन को हार्ट अटैक आया था, किसी को डायबिटीज, किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लीवर फेल्यूर का प्रॉब्लम, किसी के ब्रेन तक इन्फेक्शन गए वाला, ये ऐसे पेशेंट्स कुछ मरे वाले हैं। यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं। सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन जी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संभाजीनगर के अस्पताल में सिर्फ 15 दिनों की ही दवा बची है। मरीजों के तीमारदार हाथ में दवा की पर्चियां लेकर घूमते नजर आए। कांग्रेस ने दवा की कमी की बात को मुद्दा बनाया है। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी का दावा है कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं चल रही है बल्कि यहां लूट मची है। महाराष्ट्र में सच पूछे तो सरकार नहीं चल रही। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिद पूरी करने के लिए तोड़ तो दिया शिवसेना को, पर जब शिवसेना से लोग गए हैं या NCP से लोग गए हैं वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, वसूली जारी है, लूट मची हुई है महाराष्ट्र में, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज महाराष्ट्र में नहीं रही। एक तरफ है महाराष्ट्र के राजनेता और अस्पताल प्रशासन जो अपनी सुविधा के मुताबिक बयान दे रही हैं। कोई इसकी वजह पर सफाई दे रहा है तो कोई बद इंतजामी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों या माँ बाप को खो दिया है। यकीनन महाराष्ट्र के इन अस्पतालों में हुई ये मौतें ना सिर्फ सामान्य से कहीं ज्यादा है, चौंकाने वाली भी है। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार की ओर से नांदेड़ में 3 डॉक्टर्स की कमेटी पहुंच गई है। शायद इन्हें अप्रत्याशित मौतों की ठोस वजह मिल जाए, शायद ये इन मौतों को रोकने में कामयाब हो जाए, या फिर मौतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी की कोई और वजह ढूंढ ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।